भाइयों को जय श्री राम। और भाइयों, हमारे चैनल एमके टेम्पो ब्लॉग में सभी का स्वागत है भाई। और आज मैं जाने वाला हूँ भाई ब्यावर। ब्यावर के आगे भाई सोजत आता है, तो भाई सोजत जाना है मेरे को। तभी माल भर लिया और अभी तो भाई बिल वगैरह भरना है, मेरा बिल तैयार नहीं हुआ। ये देख लो अतुल शक्ति जा रहा भाई। ये देखो अभी टाइम हो रही है भाई 9:15 हो रही है। और अभी तो भर लिया मैंने टेम्पो। अभी ये जाएगा भाई ब्यावर के आगे जाएगा भाई सोजत। तो भाई अपना टेम्पो भर के हो गया रेडी और अभी भाई निकलना है। तो अभी क्या बिल नहीं बना मेरा, यहाँ से जाऊँगा भाई। ये मेरा गांव से ही है। ये देख लो भाई अपना टेम्पो हो गया भर के रेडी। फिर भाई आगे बात करेंगे रास्ते के अंदर। और भाई भाड़ा क्या रहने वाला है वो भी बताऊँगा भाई, और कितना किलोमीटर है वो भी बताऊँगा भाई, और इसकी जो भी जानकारी है वो भी बताऊँगा भाई कि कैसे भाड़ा मिल जाता है बाहर के, लंबे जाने में कितना चलने में आसान होता है। ये बढ़िया टेम्पो है भाई। और ये देखो भाई मेजर गाड़ी है भाई, 196 मॉडल है ये। और ये अभी मेरा गांव है इधर की तरफ, और मैं यहाँ से माल भर लिया मैंने। और अभी मिलते हैं भाई आगे वीडियो। जब तक हमारे वीडियो में न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई अभी मैं निकल चुका हूँ घर दुकान से, सॉरी भाई। और ये देख लो भाई ये घड़ी अपनी जय गुरुदेव डीजे। और ये आ गया भाई हमारे राजस्थान की आई सिक्योरिटी जेल के पास कुकरा। और अभी चलते हैं भाई आगे, मिलते हैं रास्ते के अंदर हाईवे पे चल के। जब तक हमारा गांव का व्यू देख लो थोड़ा रोड का व्यू। और ये देखो भाई अपनी गाड़ी। अभी भाई नाश्ता वगैरह जो भी है जो ले लिया भाई मैंने, रास्ते में नाश्ता वगैरह कर लूँगा। और अभी क्योंकि भाई लेट हो जाऊँगा यहाँ से भाई, फुल 110 किलोमीटर है मेरे को जाना। और फिर वहाँ भाई 110 किलोमीटर तो मेरा भाड़ा है भाई 4,500 रुपये, 4,500 रुपये इसलिए है भाई क्योंकि मेरे को वापस भी माल लेके आना, वहीं से माल भरना है, इसी पार्टी का माल भर के लाना है ना, इसीलिए भाई किराया हो गया मेरा 4,500 रुपये। भाई डीजल कितने रुपये आएगी वो भी बता देंगे भाई। अभी देख लो भाई अभी डीजल मैंने डलवाया, इसमें डलवाया था भाई मैंने 500 रुपये का डीजल डलवाया था। और ये पहुँच तो जाएगी फिर वापस आते समय, पार्टी से पहले से लेकर वापस डीजल डला। तो अभी कुकरा गाँव में पहुँच गया भाई, ये देखो भाई। और ये भाई हमारा गांव, ये भी हमारा गांव ही है भाई घुगरा, हम यहीं के हैं। तो भाई अभी मैं पहुंच गया हूँ हाईवे पे। और यहाँ भाई मेरे को करना नाश्ता वगैरह, जब तक भाई आपको दिखा देता हूँ माल। ये देख लो भाई ये गद्दे है भाई, इसके अंदर और कुछ नहीं है, बिल्कुल वजन नहीं है बिल्कुल, देख लो भाई आज। और अभी 11 बजने वाले है भाई क्योंकि बिल के अंदर टाइम लग गया भाई, बिल नहीं बना मेरा तो बिल में थोड़ा टाइम हो गया। तो अभी नाश्ता कर लेता हूँ भाई, ये देख लो भाई। जब तक आप भी नाश्ता कर लीजिए भाई, फिर मिलते हैं आगे, मैं नाश्ता वगैरह करके मिलता हूँ भाई। हो गया एक्सीडेंट, ये देखो हाँ घुस गई गाड़ी भाई। भाई हाईवे पे तो रोज एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं भाई। और अभी मैं भाई पहुंच गया हूँ माकुपुरा। और ये अपने आगे देखो भाई गाड़ियों का ठप जा रहा है भाई। तो भाई ये देख लो भाई ब्यावर टोल टैक्स पहुंच गया हूँ भाई। इसके बाद आएगी भाई ब्यावर सिटी, फिर उसके बाद आएगा भाई बर। तो अभी तो भाई आ गया हूँ मैं ब्यावर टोल टैक्स पे, ये देख लो भाई। तो भाई अभी जाना है भाई मेरे को, ये आ गया भाई ब्यावर। और ये देखो भाई ट्रॉली टायर हो गया पंचर। अब ब्यावर सिटी के लिए भाई मेरे को लेना पुलिया से राइट। और भाई मैं क्योंकि सिटी से जाऊंगा भाई, इधर से बाहर बाहर तो भाई दूर काफ़ी दूर पड़ जाता है, 4 से 5 किलोमीटर का अंतर आता है भाई। अभी तो अपने पास इतना माल भी नहीं है तो भाई यहीं से ले लेते हैं भाई, सिटी में से जाऊँगा भाई 4-5 किलोमीटर कौन घूम के जाएगा, ये देख लो भाई। तो भाई अभी आ गया हूँ मैं भाई ब्यावर सिटी का अंदर, एंटर कर चुका हूँ भाई, ये देख लो भाई। ब्यावर भी एक भाई एक सिटी है काफ़ी, मैं तो भाई आता रहता हूँ इधर ब्यावर। आज मेरे को ब्यावर से थोड़ा आगे जाना है भाई, ब्यावर से 40 किलोमीटर आगे है भाई, 40-50 किलोमीटर आगे होगा। जहाँ भी जाएंगे भाई वो बात कर लेंगे भाई, वहाँ का बोर्ड लगा हुआ वहाँ दिखा दूंगा भाई। अब थोड़ी वीडियो थोड़ी भाई अच्छी तरीके की जानकारी की डालूंगा भाई, पहले मैं ऐसे ही डाल देता भाई। आज इस वीडियो देखना भाई, पूरी वीडियो देख के आपको मज़ा आएगा भाई। ये कार बाजार है भाई, इधर पिकअप वगैरह सेकेंड हैंड गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है भाई। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ ब्यावर बस स्टैंड पर, क्या मिलती है भाई सेकेंड हैंड पिकअप, ये देख लो भाई घड़ी सारी गाड़ियाँ बिकड़ेंगी, ये देख लो सामने है भाई ब्यावर बस स्टैंड। इसके बाद भाई
आएगा एक चांद गेट, फिर उसके बाद सिटी से बाहर निकल जाएंगे भाई, और ये देख लो भाई बस स्टैंड के सामने। ब्यावर सिटी पार करके वापस आ गया हूँ भाई हाईवे पे, और ये देखो भाई पाली है यहाँ से 103 सिरोही 214 और सोच रहे थे 64 किलोमीटर, और सामने देखो भाई मस्त पहाड़, आगे देखते हैं भाई ये देखना भाई। और अभी भाई टाइम होने 1 बजने वाली है भाई, मैं वहाँ से निकला था 11 बजे, तो भाई 2 घंटे लगे मेरे को यहाँ तक पहुँचने में। और भाई मैंने नाश्ता किया वही रुका था भाई, उसके बाद नाश्ता करने के बाद रवाना वाना, तो भाई गाड़ी मैंने अभी तक कहीं भी नहीं रुकी, 2 घंटा हो गया इसको रेगुलर चलाते हुए, तो भाई गाड़ी का कुछ नहीं है भाई, ये बहुत मजबूत गाड़ी है भाई टेम्पो बजाज का, लेकिन अभी क्या है ना भाई थोड़ा ऐसे ही है अभी भाई, अभी नई साल आने वाली है 1-2 दिन रहे, ये बाढ़ दीजिए देखो भाई अब जब तक 1-2 दिन है ना भाई नई साल की तबीयत, उसके बाद काम वगैरह वापस चालू हो सकते हैं या नहीं भी हो गए, अभी तो भाई 4 महीनों से तो ऐसे ही लग रहा है भाई, कोई मार्केट नहीं है कोई कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल सीजन हो रहा है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है भाई गाड़ी नई गाड़ी वालों को तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे हमारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना, हम तो पुराने आदमी, मेरा 2 साल पुराना आदमी हूँ भाई, पर रोड का भाई ये देख लो भाई कितने मस्त जगह है ना भाई, ये देखो ये खड़ा अपना टेम्पो इधर, ये देख लो भाई। अभी भाई यहाँ से बचा है, अभी देखता हूँ भाई कितना किलोमीटर है, अभी मेरे पास उसके लोकेशन पड़ी है तो मैंने लोकेशन ऑन नहीं की, क्योंकि भाई यहाँ तक तो मैं आता रहता हूँ तो मैं तो जानता हूँ भाई इधर, तो सोच जब तक तो जानता हूँ भाई मैं, क्योंकि मैं मेरा तो काम ही यही है भाई इधर इस टेम्पू को लेके घूमने का शौक है भाई मेरे को, इसलिए भाई टेम्पू ले लिया मैंने, और इससे घूमना हो जाता है भाई, घर पे बैठा नहीं होता है, और रोज़ कहीं ना कहीं यहाँ कभी कहाँ अलग अलग जगह घूमते ना, तो उसका एक्सपीरियंस अलग होता है भाई। और ये भी अपना टेम्पू खड़ा है, बात कर लेते हैं, ये देखो भाई माल कुछ नहीं है, और काफ़ी देर भाई 2 घंटे से चला रहा हूँ, तो अभी इसको थोड़ा रेस्ट तो नहीं भाई, मेरे टॉयलेट वगैरह करनी थी, और आपको थोड़ा टेम्पो में माल क्या क्या है भाई, इसमें पड़े 2, 4, 6, 8 गद्दे हैं भाई, और 2 कांच के गिलास है भाई, तो ये देख लो भाई अभी खड़ा हूँ मैं ब्यावर घाटी के अंदर, ये सोजत वाली घाटी है वहाँ पे, तो अभी भाई चलते हैं, अभी लेट हो रहा हूँ भाई, अभी 1 बजने वाले है, तो भाई स्टार्ट करते हैं भाई गाड़ी को, स्टार्ट कैसे होता है भाई ये यहाँ से, ये बटन है इसका स्टार्ट करने का और इसको खींचने से, तो भाई मैंने तो अभी इसको क्या डायरेक्ट करा रखा है वीडियो के चक्कर के अंदर भाई, इसी से बटन दबाने से अभी हो जाएगा स्टार्ट, वो भी करके बता देता हूँ। और ये है भाई ब्रेक गियर, और ये है भाई बंद करने का चौक होता है, ये जा रही है भाई बजाज फुल लोड लेके, और ये भाई इसमें ये टूल दे रखी है, इसमें सामान वगैरह होते हैं, और ये इधर ये इसका मीटर है भाई, ये इंडिकेटर, ये न्यूट्रल, ये लाइट, ये भाई ये गाड़ी का BX6 है ना, तो ये देखो BX6, तो इसका भाई ये सारे यहाँ बता दे गई है, और ये ओवर हीटिंग भी है, जो भी है भाई ये देख लो अंदर से, ये देख लो भाई अपनी गाड़ी, ये रस्से वगैरह पड़े, और अभी स्टार्ट करता हूँ भाई और फिर चलते हैं आगे, तो ये देखो भाई भैया ने स्टार्ट, इतनी प्यारी सी आवाज़ है इस टेम्पो की, क्या बात है भाई, ये इसके कांच है भाई, ऐसे सर्दियों के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है भाई, मैं पैक करके हूँ अभी, ठंड वगैरह कुछ नहीं लगता है, वो
अभी चलते हैं आगे, चलते चलते बात करते हैं यहाँ से भाई, होगा थोड़ा ही, अभी ज़्यादा नहीं है, 30 किलोमीटर हो रहे हैं। भाई यहाँ से 27 किलोमीटर दूर ही है, ज़्यादा नहीं है, तो अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा भाई 1 घंटा लगेगा, यानी 2 बजे पहुँच जाऊँगा भाई, अभी 1 बजे 2 बजे तक पहुँच के वहाँ खाली करके, बात ऐसी है भाई वहाँ से माल भी वापस लेके आना है मेरे को, इसलिए अभी तो ये गंदे छोड़ने हैं वहाँ पे, वहाँ से 4 कुर्सियाँ हैं, 4 टेबल है वो भी लेनी है मेरे को भाई। आ गया मैं बर, ये देख लो भाई, बर मार्केट छोटा सा ही है भाई, और यहीं से भाई चाय वगैरह पीने की सोच रहा हूँ, तो देखता हूँ चाय पीता हूँ या नहीं पीता हूँ, पी लेता हूँ भाई थोड़ी साइड में जगह देखता हूँ, मुझे जगह मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मेरे को जाना है इधर। भीड़ लग रही है भाई दुकान पर, ये खड़ा भाई अपना आगे निकला था टेम्पो वापस मिल गया, और ये देख लो भाई बर मार्केट, तो यहाँ पे हो गया भाई अपना टेम्पो खाली और वापस ले ली 4 कुर्सियाँ, और अभी भाई 2 बज गए तो अभी चलता हूँ भाई, लेट हो रहा हूँ, वापस पहुँचना है मुझे अजमेर जल्दी। तो ये देख लो भाई, ये कुछ इस प्रकार का है, और ये हवेली टाइप है भाई, यहाँ हुआ था अपना, ये है भाई लीलांबा गांव, और यहीं पे हो गया अपनी गाड़ी खाली, 4 कुर्सियाँ थी तो भाई वापस ले ली, और अभी चलते हैं भाई अजमेर, अभी तो लेट हो जाऊँगा भाई, शाम को 6-7 बजेंगे मेरे को जाने में। और की है फेमस कचौरी, ये देखो भाई बार की फेमस कचौरी, और भाई अभी मैंने चाय भी ले ली एक, और एक कचौरी ले ली, तो भाई यहाँ पे ट्रैफिक का इशू, तो थोड़ा भाई थोड़ा आगे जाके रुक के करूँगा, नहीं तो भाई थोड़ा दिखाता इस दुकान में, भाई एनी टाइम भीड़ रहती है, 24 घंटा खुली रहती है दुकान, और एनी टाइम भीड़ रहती है।